हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल रंगरेज। दोस्तों आप लोगों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम का लिंक वो अपने यूट्यूब चैनल पे कैसे ऐड करना है, कैसे लिंक करना है इंस्टाग्राम का लिंक, ये मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर जेन्युइन वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे ऐड करना है, कैसे लिंक करना है तो वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है वो मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर यूट्यूब चैनल मेरा ओपन हो गया, यहाँ पर अबाउट आ गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम लिंक डाल के रखा है, ठीक है, ट्विटर का लिंक डाल के रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक डाल रखा है। तो इस तरीके से आप अपने अबाउट में कैसे इंस्टाग्राम का लिंक कैसे ऐड करेंगे, चलिए इसे बताते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले आप क्रोम को ओपन कर लीजिए। अब क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है इंस्टाग्राम लॉगिन, ठीक है, इंस्टाग्राम लॉगिन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम को लॉगिन कर लेना है, उसके बाद क्रोम को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर लॉगिन होने के बाद दोस्तों करना क्या है, उसके बाद यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, फोटो पर या लोगो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, लिंक ऐसे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे में यहाँ डायरेक्टली मतलब कॉपी करने के आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है मतलब कॉपी करने का। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पर क्लिक कर लिया। अब ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे YouTube, ठीक है, यहाँ पर YouTube लिखा मैंने। और YouTube लिखने के बाद कुछ इस तरीके से आ गया दोस्तों, कुछ इस तरीके आने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक थ्री डॉट के निशान दे रखे हैं, यहाँ पर थ्री डॉट के निशान पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डेस्कटॉप का ऑप्शन दे रखे हैं, डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से खुल जाता है। खुलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से खुल गया है। अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे और जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सॉरी थोड़ा मतलब एक वीडियो पे क्लिक हो चुका है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं बैक आ जा रहा हूँ एक मिनट के लिए, एक सेकेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ थोड़ा जूम करेंगे, यहाँ पर फ़ोटो या जो आपका लोगो हो उस पर क्लिक करना है, फ़ोटो लोगो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आ जाता है, मतलब सेलेक्ट करना मतलब कि ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर क्रोम को फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरी प्रोफाइल मतलब दूसरा साइट खुल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से खुल रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुल चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टूडियो जो क्रिएटर स्टूडियो है वो यहाँ पर खुल गया है, यूट्यूब YT स्टूडियो यहाँ पर खुल चुका है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या होगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रश का निशान दे रखे हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ब्रश का निशान दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से ये लोडिंग लेगा, कुछ सेकंड वेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए खुल चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक, यहाँ पर देख सकते हैं लिंक लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर ऐड लिंक। तो यहाँ पर मैंने दो पहले से मतलब कि ट्विटर इंस्टाग्राम के लिंक है जो ऐड करके रखा हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए आप को इंस्टाग्राम लिंक ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे, बल्कि मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ तो यहाँ पर दिखा दो रहे। यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है टाइटल, जिस चीज़ का आप लिंक डाल रहे हैं उसको यहाँ पर डालना है, और उसके बाद जो URL कॉपी करे थे उसको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं उसको यहाँ थोड़ा सा क्लिक करके रखता हूँ, उसके बाद पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम लिख देंगे, यहाँ पर इंस्टाग्राम लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है पब्लिश, यहाँ पर पब्लिश के निशान पर क्लिक कर देंगे।
जैसे आप पब्लिक के निशान पर क्लिक कर देंगे, ये जो लिंक है वो सेव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर सेव हो चुका है। और यहाँ पर वापसी हम आते हैं अपने YouTube चैनल पर, थोड़ा सा बैक होते हैं और फिर से YouTube चैनल अपना जो है ओपन करके दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर खुल गया है YouTube चैनल और अबाउट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने Instagram का जो लिंक डाला था वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप Instagram की लिंक YouTube चैनल पर डाल सकते हैं। तो उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।